हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, पिछले हफ्ते में जो ब्रैडकॉक ग्रुप में एक एक्साइटमेंट का माहौल था, एक उत्साह का माहौल था, वो आज हमें फिर से जाते हुए देखने को मिला। और ब्रैडकॉक ग्रुप का शेयर फिर से आज 3% गिरा। मार्केट ऊपर था और शेयर नीचे चला गया। आप और हम सब जानते हैं ये क्यों हुआ है। कंपनी की ओर से Q2 के रिजल्ट के नंबर पोस्टपोन किए गए, तो थोड़ा सा मार्केट में एक निराशा का माहौल हो गया और आज हमें गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या हो सकता है यह उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, ब्रैडकॉक ग्रुप में आज 20 रुपीज़ 35 पैसे का क्लोजिंग दिया, जो कि 3% गिरावट देखने को मिली आज। और एमओ ऑर्डर सेलिंग के लिए लगी हुई है 53,000 शेयर्स की। अब ये एमओ ऑर्डर फिर से सेलिंग के लगने लग गई है, ये थोड़ा सा निराशाजनक बात है। एनएससी और बीएससी मिलाकर 2 करोड़ 90 लाख के आसपास ट्रेडिंग हुई, बट एक ही पॉजिटिव बात है कि आज 50% की डिलीवरी उठाई गई है। तो अभी भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये रेट बाइंग के लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, आज भी मार्केट में तेजी थी, तो बैठकर का शेयर ऊपर खुला था, बट फिर से धीरे धीरे नीचे गया और साइडवेज ही रहा दिन भर। ज़्यादा मूवमेंट कुछ हुई नहीं। क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो जाता है तो लोग परेशान होकर बहुत से लोग बेच देते हैं, निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोई फ्रस्ट्रेशन का जो एक माहौल बन रहा है ब्रैडकॉक ग्रुप के इन्वेस्टर लॉबी में, कि हर बार एक नई अच्छी खबर आती है कंपनी की ओर से, ऐसा लगता है कि बस अब सब जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। बट बीच में ही फिर से कंपनी की ओर से जो पोस्टपोन किया गया है उसमें मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज जाता है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है कंपनी में, और अभी भी कंपनी में प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डाउट होता है। आपने देखा होगा जब कंपनी ने 15th of January डिक्लेयर किया था तो काफ़ी तेज़ी बनी थी। जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट का डेट पास में आ रहा था तेज़ी बन रही थी, बट जैसे ही फिर से पोस्टपोन का न्यूज़ आया तो फिर से इसमें थोड़ी सी हमें सुस्ती देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है कि ये जो कंपनी में प्रॉब्लम चल रहे हैं ईडी का, सेबी का, उसका भी कोई नया अपडेट अभी तक नहीं है, तो लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये सब बातें क्लियर होने को टाइम लगता ही है। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, इतना जल्दी से उसका डिसीजन आता नहीं है, तो वो टाइम तो लगता ही है। तो जैसे भी कोई अपडेट आता है तो थोड़ा सा एक होप जग जाती सबके मन में कि कुछ अच्छा हो जाएगा, पर फिर से ऐसा कुछ निगेटिव कंपनी की ओर से आ जाता है तो फिर से निराशा छा जाती है। अब 21st को जो Q3 के रिजल्ट आएंगे वो उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। इसी बीच कोई खबर आती है सीबी की ओर से, ईडी की ओर से, सैट की न्यूज़ कोई आ जाती है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी ब्रैडकॉक ग्रुप के शेयर में थोड़ा सा हमें साइडवेज ही फिर से जाते हैं। पहले ब्रैडकॉक ग्रुप का शेयर 1920 में घूम रहा था, 19 रुपीज़ 20 रुपीज़ में, बाद में 20 और 21 रुपीज़ के ऊपर ऊपर जाने को तैयार नहीं था। अब फिर से 20 रुपीज़ तक आ चुका है, आशा करते हैं कि 20 रुपीज़ के नीचे ना जाए। बट अगर कुछ बड़ा कुछ पॉजिटिव मूव नहीं आया और काफ़ी लोग अगर परेशान होकर निकलने लग गए तो हो सकता है और भी नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो पेशेंस रखना होगा, और काफ़ी लोग ऊँचे रेट में फंसे हुए हैं, और क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सेबी का ऐसा कुछ डिसीजन, सेबी का शोकॉज नोटिस आएगा, यह कंपनी पे फॉरेंसिक ऑडिट बैठाया गया है, जब ये हमें किसी को भी पता नहीं था। हम लोग जो मार्केट में देखते हैं, जो दिखता है हमें कि भाई पी इतना कम है, ईपीएस इतना अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, यही सोच के काफ़ी लोगों ने लिया, बट बाद में एक ये चीज़ें निकल कर सामने आई और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई है। मतलब 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो जब तक ये फिनिश नहीं होता है, क्लियर डायरेक्शन ब्रैडकॉक ग्रुप में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा देखना यह है कि क्या खबर आती है। ब्रैडकॉक ग्रुप का शेयर खबर के हिसाब से ही चलेगा। कुछ शेयर में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर ऊपर जाएगा, और शेयर में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आई तो नीचे जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई ठोस इसका क्लियर आउटपुट आता नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोर्ट ने या सैट में ब्रैडकॉक ग्रुप को कुछ पेनल्टी मारकर सब केसेस ख़त्म हो गई सेबी की, तो भी एक अच्छी तेजी आ सकती है। और उसके उलट कुछ हुआ, मतलब सेबी जीत गई और ब्रैडकॉक ग्रुप की बात नहीं सुनी गई सैट में, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सब अभी आगे क्या होगा ये सब ये बातों पे डिपेंड करेगा, तो कुछ भी कहना मुश्किल है।
आपको ये सब बातों को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनानी है, डिसीजन लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।